प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अ डे एट अ फार्म। अ डे एट अ फार्म विच इज टेकन फ्रॉम क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 8। अ डे एट अ फार्म, एक दिन खलिहान में। एट अ फार्म का मतलब होता है खलिहान में, एक दिन खलिहान में। यहाँ एक कहानी बताया जा रहा है बच्चों के लिए, और उनको जो खलिहान में घूमने गया था फार्म पर, उसके बारे में आपको डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर को, और अच्छे से सभी चीज़ों को समझते हैं, एक एक मीनिंग को देखेंगे, अच्छे से आपको समझा रहे हैं। कह रहा है, रजत एंड रोशनी हैड अ प्लान टू स्पेंड अ डे एट देयर अंकल्स फार्म। अंकल्स फार्म, रजत और रोशनी एक प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक प्लान बनाए टू स्पेंड, मतलब समय को बिताने के लिए, अ डे एक दिन, एट देयर अंकल्स फार्म, एक दिन अपने समय को बिताने के लिए प्लान बनाए कि अपने अंकल्स फार्म पर समय बिताएंगे। मिस्टर रोशनी इज देयर अंकल, मिस्टर रोशन जो था इज देयर अंकल्स, उनके क्या थे? चाचा थे। मिस्टर रोशन जो थे उनके चाचा थे। ही लिव्ड इन अ विलेज, वह एक गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? वह एक गांव में रहते थे। ही टुक देम टू द फार्म, ही टुक देम, वह ले गए। ही टुक देम मतलब वह ले गए टू द फार्म, अपने खलिहान पर। इट वॉज बिग फार्म, वह क्या था? बहुत बड़ा फार्म था। देयर वेयर मैनी एनिमल्स इन द फार्म, देयर वेयर मैनी एनिमल्स इन द फार्म, वहाँ पर क्या था? बहुत सारी जानवर थे, बहुत सारे जानवर थे इन द फार्म, उस खलिहान में। काउज एंड बफेलोज वर ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। काउज मतलब गाय, एंड बफेलोज भैंसे, वेयर ग्रेजिंग, क्या कर रहे थे? चर रहे थे ग्रीन ग्रास, हरी हरी घासों को चर रहे थे। देयर काल्व्स वेयर ऑल्सो विद देम, काल्व्स मतलब होता है बच्चों बछड़ा, गाय को बछड़ा या भैंसों को बछड़ा। देयर काल्व्स, उनके जो बछड़े थे, वेयर ऑल्सो विद देम, वो उसके भी उसके साथ उनके बछड़े भी थे। मैनी गोट्स एंड शीप, बहुत सारी बकरियाँ थी, और क्या, शीप मतलब भेड़ भी थी। वेयर ऑल्सो देयर, वहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ और क्या थी, भेड़िया भी थी। देयर बेबीज वेयर जंपिंग एंड प्लेइंग, उनके जो बच्चे थे किसके, बकरियों के और भेड़ियों के, वो क्या कर रहे थे? जंपिंग मतलब कूद रहे थे, एंड प्लेइंग और खेल रहे थे। रोशनी वांटेड टू कैच अ किड, वो रोशनी जो थी वह कैच करना चाहती थी, बच्चे को कैच करना मतलब पकड़ना चाहती थी। बट इट, लेकिन वह जम्प्ड एंड रैन अवे, क्या हुआ था? वह उछलता था और भाग जाता था। देन, अब कहता है बच्चों, देन देयर अंकल टुक रजत एंड रोशनी टू द स्टेबल। बच्चों स्टेबल का मतलब यहाँ स्टबल हुआ। देन, तब देयर अंकल, उनके जो चाचा थे, टुक रजत एंड रोशनी, रजत और रोशनी को ले गए टू द अस्तबल। कहाँ ले गए? अस्तबल में। दे सो, उन लोगों ने देखा, हॉर्सेज घोड़ों को, एंड देयर कॉल्स और उनके बच्चों को। देयर वॉज ऑल्सो अ बिग कैनल, वहाँ एक बहुत बड़ा क्या था? कुत्ता घर था। इन द कॉर्नर, एक कोने में एक बहुत बड़ा क्या था? कुत्ता घर था। डॉग्स एंड पपीज वेयर प्लेइंग देयर, डॉग्स मतलब वो जो क्या थे, कुत्ते थे, एंड उनके जो पिल्ले थे, वे आर प्लेइंग देयर, वहाँ क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद, देयर अंकल मिल्कड अ काउ। बच्चों मिल्कड अ काउ का मतलब होता है गाय दूहना, मिल्कड अ काउ का मतलब गाय दूहना। कुछ समय के बाद देयर अंकल, उनके जो चाचा थे, वो गाय को दूहे। दे ड्रैंक दैट मिल्क, वे लोग जो रजत और रोशनी थे, वे उन लोगों ने दूध पिया। इट वॉज वेरी टेस्टी, वह बहुत क्या था? स्वादिष्ट था। देयर वॉज अ बिग पॉन्ड, वहाँ एक तालाब भी था, पॉन्ड मतलब तालाब भी था। दे सॉ डक एंड देयर डकलिंग स्विमिंग इन द पॉन्ड, बच्चों दे सॉ, उन लोगों ने देखा डक्स मतलब बत्तखों को, एंड देयर डकलिंग, उनके बच्चों को, स्विमिंग इन द पॉन्ड, कहाँ? उस तालाब में तैरते हुए,
उस उसकी बत्तखों को और उसके बच्चों को तालाब में तैरते हुए उसने देखा। आगे देखते बच्चों, आगे कहता है कि आगे कहता है, दे ऑल सैंग क्वैक 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 क्वैक। वे लोग सब क्या कह रहे थे, क्वैक 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 एट अ डिस्टेंस, कुछ सब कुछ दूरी पर। देयर वाज अ कूप, वहाँ क्या था, एक कूप था, एक नाला था, तालाब था। दे सॉ हैंड्स एंड चिक्स, वहाँ पर उस लोगों ने क्या देखा, हैंड्स मतलब मुर्गियों को और उनके बच्चों को। दे ऑल कैकल्ड क्लक क्लक, वे लोग खीखी खीखी आवाज़ क्लक क्लक की आवाज़ में चिचिया रहा था। रजत एंड रोशनी बिकेम फ्रेंड विथ द एनिमल्स, रजत और रोशनी जो था वो बिकेम बन गया फ्रेंड मतलब दोस्त बन गया, विथ द एनिमल्स एनिमल के साथ उसकी दोस्ती मित्रता हो गई। दे स्पेंट ऑल देयर टाइम प्लेइंग विथ द एनिमल, वे लोग अपना सारा समय किसके साथ स्पेंट मतलब व्यतीत किया, किसके साथ, एनिमल उन जानवरों के साथ। अगला देखिए, देख रहे हैं रजत और रोशनी खेल रहे हैं तालाब के बगल में। अगला बता रहा है, इन द इवनिंग सुबह में, शाम में, इन द इवनिंग मतलब शाम में, देयर वेयर क्लाउड इन द स्काई, शाम में क्या हुआ कि आकाश में एकदम बादल छा गया। देन इट बिगेन टू रेन मतलब तब क्या हुआ, वर्षा होना चालू हो गया, शुरू हो गया। आफ्टर एन आवर, एक घंटों के बाद द रेन स्टॉप, क्या हुआ, वर्षा थमी, क्या हुआ कि वर्षा एक घंटे के बाद थम गई। रजत एंड रोशनी सॉ अ रेनबो इन द स्काई, रजत और रोशनी जो थी वो देखा, क्या देखा, रेनबो इंद्रधनुष को इन द स्काई, कहाँ देखा, आकाश में। इट हैड सेवन कलर्स, वो क्या थे, सात कलर्स के थे, क्या, इंद्रधनुष रेनबो। रजत एंड रोशनी वेयर वेरी हैप्पी, रजत और जो रोशनी थे वो बहुत खुश थे, वो रजत और रोशनी ये सब देख कर इंद्रधनुष को देख कर क्या हुए थे, बहुत खुश हुए थे। दे सेड गुड बाय, उन लोगों ने कहा गुड बाय अलविदा टू देयर एनिमल्स फ्रेंड्स, अपने एनिमल्स मतलब जानवर दोस्तों से कहा गुड बाय अलविदा मेरे दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ। दे रिटर्न्ड होम विथ देयर अंकल्स, दे रिटर्न, तब वो लोग वापस आ गए होम विथ अपने घर पर, विथ देयर अंकल्स अपने अंकल्स अपने चाचा के साथ। बच्चों यहाँ पर जो आप कुछ आप देखे हैं ग्रीन ऐसे में जो है फार्म कार्ल्स ग्रेजिंग कीड, और आप यहाँ पर देखे होंगे स्टबल और कैनल, इन सभी चीज़ों का मीनिंग आपको पीछे आपकी बुक में दिया गया है, वो अवश्य देखें और उनको याद अवश्य करें आप। जैसे आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्टबल का मतलब दिया होगा अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, मतलब ये ऐसा जगह जहाँ पर घोड़ा रखा जाए उसे क्या कहते हैं, स्टबल। कीड मतलब बेबी गोट मतलब मेमना, कीड का मतलब मेमना होता है। फार्म का मतलब अ प्लेस वेयर डोमेस्टिक एनिमल्स लिव्स, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर हमारे पालतू जानवर रहते हो, जैसे खलिहान कहते हैं। ग्रेजिंग का मतलब ईटिंग ग्रास मतलब घास चर रहा। कार्ब्स का मतलब होता है बेबीज ऑफ कैटल्स मतलब बछड़ा, गायों का बछड़ा। कैनल का मतलब होता है प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, ऐसा जगह जहाँ पर कुत्ता को रखा जाता हो, जैसे कुत्ता घर बोलते हैं। धन बच्चों दैट्स अ चैप्टर अ डे एट अ फार्म, दैट्स एंड चैप्टर 8 विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 8। थैंक यू, जय हिंद। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक द एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन to another video, then I upload the video, you notify them. Thank you, Jai Hind, till then, bye.